नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चले कि ट्रेनों में सामान श्रेणी के टिकट यानी कि जनरल श्रेणी के टिकट अब मिलने जा रहे हैं। पश्चिम मध्य रेलवे इसकी तैयारी में जुट गया है। भोपाल रेल मंडल ने पूर्व में ही 22 ट्रेनों में ये सुविधा बहाल कर दी है। बाकी की ट्रेनों में समान कोचों में सफर करने के लिए अभी भी आरक्षण व्यवस्था के तहत पूर्व से ही टिकट खरीदने पड़ रहे हैं। आपको बताते चले कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से चलने वाली भोपाल एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12156 में इस ट्रेन में इंजन के पीछे दो और ट्रेन के अंत में दो जनरल क्लास के कोच लगे रहते हैं, जिन्हें समान श्रेणी के कोच भी कहते हैं। इनके अलावा राजधानी दुरंतो शताब्दी व कुछ हमसफर जैसी विशेष ट्रेनों को छोड़कर बाकी की मेल एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनों में भी जनरल कोच होते हैं। अलग अलग ट्रेनों में इनकी संख्या अलग अलग होती है। इनके टिकट स्टेशन के काउंटर व UTS मोबाइल ऐप से तुरंत खरीदे जा सकते हैं और उन पर यात्रा भी की जाती है। इनमें बर्थ निर्धारित नहीं होती थी। समान श्रेणी के कोच में कहीं भी बैठकर सफ़र किया जा सकता था, लेकिन कोरोना महामारी में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इन जनरल कोचों को आरक्षित कोच में बदल दिया गया था ताकि भीड़ ना हो और टिकट की बिक्री आरक्षण व्यवस्था के तहत शुरू कर दी गई थी। इन कोचों में जितनी बर्थ थी उतनी ही टिकट बेची जा रही थी, जिन पर बकायदा बर्थ नंबर भी दर्ज किया जाता था। ये व्यवस्था लागू की गई थी। अब इन कोचों को पूर्व की तरह अनारक्षित में बदला जा रहा है, यानी कि कोरोना महामारी से पहले की तरह यात्री तुरंत टिकट खरीद कर यात्रा कर सकेंगे। आरक्षण व्यवस्था से टिकट बुक कराने की जरूरत खत्म हो जाएगी। आपको बताते चले कि ट्रेन में आरक्षण व्यवस्था के तहत यात्रा से 120 दिन पहले तक टिकट बुक करा सकते हैं। ट्रेनों में कई यात्रियों ने टिकट बुक करा लिए हैं। बीच में यदि इस व्यवस्था को ख़त्म किया जाता है तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जिन यात्रियों ने आरक्षण के तहत टिकट खरीदे हैं और उन्हें बर्थ मिल चुकी है, अब इन कोचों में पूर्व की तरह व्यवस्था लागू की जाती है तो कोचों में भीड़ शुरू हो जाएगी और उन यात्रियों को दिक्कत होगी। जिनकी बर्थ कन्फर्म हो चुकी है वो विरोधाभास की स्थिति बनेगी, विवाद भी हो सकते हैं। इसी वजह से पश्चिम मध्य रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रेनों के इन कोचों में जल्द ही यात्रा से 120 दिन पहले के टिकट बुक अब नहीं होंगे, यानी कि अब जनरल टिकट की जो व्यवस्था है जैसे व्यवस्था पहले थी 1 जुलाई से लागू की जा रही है। यानी कि 1 जुलाई से अब रेलवे स्टेशन में ही आपको जनरल के टिकट प्राप्त हो जाएंगे और कोरोना काल के समय जनरल टिकट में जो रिजर्वेशन की सुविधा थी ये 1 जुलाई से बंद कर दी जाएगी। 1 जुलाई से समान परिचालन ट्रेन का होगा और वैसे ही टिकट बुक होगी जैसे कोरोना के पहले टिकट बुक हुआ करती थी। इसमें फ़ायदा ये होता है कि अर्जेंट में अगर किसी यात्री को जाना है तो वो तुरंत जनरल की टिकट खरीद कर यात्रा कर सकता है, लेकिन ऐसा कोरोना महामारी में जो रिजर्वेशन नीति लागू कर दी गई थी जनरल क्लास में, इसमें तुरंत टिकट खरीद कर यात्रा नहीं कर सकते थे। इनके अलावा 1 जुलाई 2022 तक जितनी भी ट्रेनें बंद हैं उन सभी ट्रेनों को बहाल कर दिया जाएगा। जैसे ही हमको यहाँ की और भी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ेगी हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।